और अगर ये गलत सीन मेरे साथ होते ना भाई, तो मैं पेट्रोल के आसपास क्या उसे मैं बैग पे भी नहीं रखता पेट्रोल के डब्बे को, इतना इतना डर जाता मैं। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मोबाइल गेम के वीडियो में। अब देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद मैं वो तेल की बोतल के साथ गलत सीन करने वाला हूँ। मतलब नए अपडेट के बाद यार फटने लगे हैं तेल के बोतल, तो हाँ गलत सीन उसको पकड़ के करेंगे। खैर फिलहाल झोर जा रखे हैं और यहाँ पे जो भी गिने चुने बंदे आ रखे हैं उन्हें पेलने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ अभी। जाओ मैं और ये एक वजह है जिसकी वजह से यार लोगों ने ये झोर जुनो वो यहाँ पे आना बंद कर दिया। लूट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, आजकल बहुत कम हो चुकी है। मतलब वो बेचारा यार गुलाबी कपड़ों वाला बंदा यार नंगा घूम रहा है, ठीक है पैन था भाई पे, और पैन के अलावा एक पिस्तौल भी नहीं मिली थी बंदे को, बहुत दुख हुआ होगा। भाग रहे ओपन में। और यहाँ भेरा उसके बगल में दो बंदे पहले और सामने पे दो बंदे इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है इस कंटेनर से उस कंटेनर में जा चुके, तो करना क्या था यार, पीछा करते हुए मैं भी यहां तक आ जाता हूँ, ऊपर चढ़ जाता हूँ। और देखो ऊपर चढ़ने में बहुत खतरा होता है, कोई भी कहीं से भी पेल सकता है, लेकिन हम तो ढीठ है तो यार ऊपर ही चढ़ा रहता हूँ मैं। खैर उसके बाद थोड़े टाइम बाद इनका पीछा करते करते यहाँ पे पहुंचता हूँ और मेरे सामने ही बंदे खड़े हैं। कौन से वाले? लॉल ग्लिच से मार रखे है मैंने उसे। और यहां पे तो यार मैं कुछ बहाना भी नहीं दे सकता, बंदा पीक करके कंटेनर के अंदर खड़ा होता है भाई, गोलियां चलाते हैं और सीधा सर पे लगती है मेरे, बहाना है नहीं मेरे पे कुछ बोलने के लिए। खैर अपनी पेटी नहीं बनी तो इससे ज्यादा क्या चाहिए जिंदगी में। और देखो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ बोट पे अत्याचार, बोट पे अत्याचार, गलत तरीके से पेला बोट को यार, आज आपको हद से ज्यादा अत्याचार देखने को मिलेगा। मतलब बुरी तरह पकड़ के पेला जा रहा होता है बोट को, टेंशन मतलब तुम्हारा भाई बदला जरूर लेगा बॉट का। खैर वो होने ही वाला है यहीं पे सीन होंगे, लेकिन यहाँ आगे पे और बंदों के फुट स्टेप आ रहे होते हैं, गोली गोली यहाँ से भी दबा के चलनी होती है, तो करना क्या था यार यहाँ पे आ जाते हैं हम ढीठ की तरह और ऊपर बैठ जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं बंदों के दिखने का। और यहाँ पे अपना सस्ता स्प्रे वगैरह देके दो बंदे नॉक कर चुका हूँ। अब देखो दो बंदे नॉक कर दिए, सीधा रस करना बनता है बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और बाकी बंदों को ढूंढने पे लग जाता हूँ। और हमारे ये भाई तो यही टावर के अंदर बैठे पड़े होते हैं, ठीक है एक बंदा टावर के ऊपर नॉक किया, एक बंदा ये छोटे, इसे भी टावर ही कहते हैं शायद अंग्रेजी में, इसके अंदर घुस के बैठा पड़ा है। और जहां तक मुझे लग रहा है यार कोई ना कोई बंदा इनका जरूर बाकी है, मतलब दो बंदे फुल चोर में भग रहे थे, क्या पता तीसरा बंदा भी हो, क्या पता चौथा बंदा भी हो। खैर बंदे चार हो चाहे 14 यार अपन ढीठ है, तो उसके बाद भी बंदे आसपास हैं ये पता होने के बाद भी मैं यहाँ कंटेनरों के ऊपर चढ़ जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ये पता नहीं कौन सी जगह है लेकिन इतना पता है इसके ठीक नीचे एक बंदा बैठा पड़ा है। और मैं सही बता रहा हूं अगर ये बंदा मुझे पेल जाता रहा मेरी ये ढीठता की वजह से, ये जो नीचे उतरते जबरदस्ती पीक कर रहा हूं उसकी वजह से अगर मैं ठिलता यार मैं माफ नहीं कर पाता अपने आप को कभी। कौन से डायलॉग बोल रहा हूँ यार, ये डायलॉग मैं भैया बचपन में ही सीख गया था, वो नाटक आता था भैया ससुराल विमल का, मैं माफ नहीं कर पाऊंगी तुम माफ नहीं, भाई यही सब चलता था उसमें, और क्या करे मजबूरी थी यार वही देखना पड़ता था घर पे बैठ के। खैर जो भी हो ऊपर टावर के ऊपर मुझे एक बंदा चढ़ा हुआ दिखता है तो मैं भी टावर के ऊपर चढ़ता हूँ क्योंकि यार हम भी चढ़ के पेलेंगे उसको। अब
और जहां तक मुझे पता है, ये देखो यहां पे मैंने 3 बंदे पेले और इनका चौथा बंदा दूसरे टावर के ऊपर चढ़ा है। ठीक है, यहां पे 3 बंदों की पेटी बन गई, वो भाई ऊपर मस्त लेटे पड़े हैं। अब मैं इतना ढीठ हूं, देखो बाकी बंदे पेलने जाना था लेकिन लूट भी चाहिए यार, मुझे लगा क्या पता बढ़िया सकोप इस पे कोई, तो मैं ऊपर आ जाता हूं और यहां से जो ही देखने को मिलता है यार, दिल पे दर्द होता है मेरा ये सीन देख के। अब भी देखो और इस लेवल का अत्याचार देख के यार रोना टैप आ रहा है मुझे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। मतलब बेचारा बॉट को किससे पेला जा रहा है, खार 98 से, वो भी उसके मुंह के सामने जाके। ठीक है, वो बंदा मतलब बॉट को नॉक करता है और उसकी पेटी बनाने के लिए भाई बॉट के मुंह पे जाते हैं, मुंह पे जाके खार 98 चटका रहा है बंदा। मेरे से भैया देखा नहीं गया, मैंने उस बंदे को नॉक किया, उसके बाद बॉट की पेटी बनाई ताकि उसे किल ना मिले। ऐसा नहीं है कि यार मैं बहुत लालची हूं केडी कूडी का, नहीं यार किल की लालच नहीं है, उस बंदे को किल ना मिले बोल के तभी मैंने बॉट को पेला। ठीक है, बकवास कर रहा हूं यार, हम भी किल के लालची हैं, लेकिन भाई बहुत गलत है यार, बॉट को नॉक करके उसके मुंह के सामने कार 98 पटकाना बहुत गलत है यार, बॉटो को भी दुख होता होगा। खैर यहाँ पे मेरी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई है ना, तो भेड़ भेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सपर्ट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी कई सारे ई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पे बैट लगा सकते हो और अपने प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा, और इसमें आपको कई सारे मिनी गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो हाँ यार आप वो खेल के भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको इस सब चीजों का शौक है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। अब देखो ये स्कूल जैसी जगहों में मुझे रस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पे रस करना बहुत दिक्कतदायक होता है यार, कहीं बंदे लेटे होते हैं, कहीं छत पे होते हैं, कहीं जमीन में होते हैं, भाई कहाँ कहाँ नहीं होते ये बंदे। लेकिन देखो मजबूरी में क्या क्या नहीं करना पड़ता, किल की लालच के लिए यार मैं स्कूल पे भी रस कर देता हूँ। अब एक बंदा अंदर नॉक किया है और जहां तक मुझे लग रहा है अकेला नहीं है यार, उसके भाई बंधु भी वहीं होंगे, तो करना क्या था, मैं भी ऊपर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके सामने ही बंदे होते हमारे। और गाड़ी हमारी यहां तक आने में, ऊपर तक आने में बंदा रिवाइव भी कर चुका होता है, तो करना क्या है, जिस बंदे ने रिवाइव किया उसको तो पकड़ लिया, अब पेटी भी बहुत ही जल्द बनेगी। और ये बंदा जो रिवाइव हो चुका है वो मेरे ख्याल से वहां आगे टीपीपी ले रहा होता है, तो मैं वहां पे जलती बोतल में आग फेंक देता हूं और खुद नीचे आ जाता हूं और नीचे से घुस के पेलेंगे भाई को। गाड़ी जा रही है पर। और मुझे लग नहीं रहा था यार स्कूल के आसपास इतने बंदे मिलेंगे मुझे, तो यहाँ पे हमारे बगल से ही एक गाड़ी भी निकलती है और उसके साथ साथ एक बंदा स्कूल के अंदर भी घुस चुका है। अब ये बंदा किसकी टीम का है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें कद्दू भी नहीं पता, लेकिन इतना पता यार सामने बैठा है और ये भी फुल जोश में। और देखो ये भाई भी स्कूल में रस कर रहे हैं, इसका मतलब यार बंदा पूरे जोश में आया है, भाई को पेटियों की लालच है, तो संभल के करना होगा सब कुछ। और ये भाई अपने पूरे जोश में छत के ऊपर चढ़े पड़े होते हैं, तो करना क्या है यार, अब पता चल गया बंदा किधर बैठा पड़ा है, छत में ही भाई बैठे पड़े, तो घुस के पेलेंगे। बस ये ध्यान रखना यार दूर से भी कोई गोलियां चला रहा है, तो संभल के करना होगा सब कुछ। और इन भाई पे जो मैंने रस किया यार बहुत बेवकूफों वाला रस था, भाई ठिपी पी लेके खड़े हैं, बंदे ने पीक भी कर रखा है, तो जब मैं आगे भग रहा होता हूँ मैं देखता हूँ यार पीक कर रखा है, मेरी फटके चार हो जाती है, मैं बोलता हूँ जल्दी गोलियां चलाओ नहीं तो ये भी पेटी बना देगा। एक बार जोर्ज में बच चुका हूँ पीक एंड फायर से, इस बार नहीं बचूंगा यार, ये सीधा पेटी बनाएगा, आंख में देख पा रहा था मैं उस बंदे के किल की लालच थी उसे। खैर उस भाई को तो पेल दिया लेकिन उसके टीममेट पीछे से आ रहे होते हैं। तो राइट में पेड़ पे, आई मीन पत्थर पे, सॉरी।
अब जब पबजी में सबसे पहले ये तीन एक्स आया था भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं फेंक देता था इसको उठा के, लेकिन यार आजकल काफी बढ़िया चलता है। सही से कोप निकाला पबजी ने ये वाला। हाँ, मैंने एक मार पिक कर रहा। लॉर्ड, और वो पत्थर वाले भाई पे यार M24 पड़ी है, हलवा नहीं चल रहा यहाँ पे। मतलब मैं पीक करने ही वाला होता हूँ, लेकिन यार मेरा स्कोप कहीं और ही खुल जाता है, तो मैं वापस कवर में आता हूँ। लेकिन हमारे भाई पीक करके बैठते हैं और भाई के सर पे M24 चिपका दी जाती है। खैर, मैंने धेड़ पैड रिवाइव कर दिया, और जिस हिसाब से भाई वो बंदा ओपन में फंसा था, मुझे नहीं लगता वो लोग रस करने वाले हैं। लेकिन रस करे या ना करे यार, गाड़ी बर्बाद जरूर करेंगे ये लोग। तो देखो, गाड़ी पे स्मोक वगैरह बना देता हूँ मैं तैयार हो रहा होता हूँ यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन मेरे साथ साथ वो सामने वाले बंदे जो सामने बड़े घरों पे बैठे हैं, वो भी तैयार हो रहे होते हैं हमारी गाड़ी फोड़ने के लिए। कौन किसने? और मुझे जिस बात का डर था यार, वही सीन होने लगते हैं। ये लोग वहां घरों से हमारी गाड़ियों पे गोली चला रहे हैं, और टायर टूयर फोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। और तांबे पे सुहागा करने एक और बंदा आ जाता है उनका। तो देखो, सामने वाले घरों पे तीन बंदे आ चुके हैं, और वो गाड़ी की ऐसी तैसी कर देंगे। गया। अब देखो, भले ही गोलियां गाड़ी पे लग रही हो, लेकिन दर्द दिल पे हो रहा था मेरे। न जाने क्यों गाड़ी को पेला जाता है हर बार। खैर, हमारे भाई ने उस M24 वाले बंदे से अपना बदला ले लिया यार, नॉक कर दिया है भाई को। और नॉक हुआ, मैंने बोला भैया अभी निकल लो, नहीं तो ये गाड़ी की, दोनों गाड़ी की पेटियां बना देंगे। तो रस कर देते हम सीधा यहाँ पे, जोन भी नहीं है यहाँ पे, हमें जोन भगना चाहिए था, लेकिन ढीठ है यार, और किल के लालची भी, तो रस करके ही पेलेंगे। तो बंदे सीधा ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं, और हम नीचे पे बैठे हैं। लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट है ऊपर। अब यहां पे मैं दोबारा से बोट वाली हरकत करता हूं। बंदों को डैमेज दिया, दोनों बंदों को डैमेज दिया, लेकिन कोई भी नॉक नहीं हुआ। तो हील करूंगा, और अब सीधा ऊपर घुसेंगे। और देखो, ये लोग भी कम गलत सीन नहीं करते। डैमेज दिया बहुत। हाँ, इस पकड़ते हैं नीचे वाले को। बाहर है, आ जाओ इधर, बाहर है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा, तो देखो, एक बंदा रिवाइव दे रहा होता है, और एक बंदा नोक पड़ा होता है। तो मैं दिमाग लगाता हूँ यार, जो कि ज्यादा तेज नहीं चलता, मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई कैसे दो बंदे कैसे नोक हो सकते हैं। तो देखो, भले ही मैंने बोट की तरह डैमेज दिया था, लेकिन वो डैमेज काम कर गया। इनका एक बंदा ऊपर से नीचे पे कूदता है, मेरे ख्याल से वही बंदा कूदता है जिसको मैंने काफी डैमेज दिया था। भाई नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरते ही धेड़ पैड नॉक। तो यार मजा आ गया यार, मतलब बोट वाली हरकतें करना भी कभी कभी काम आ जाता है। बंदे को डैमेज दिया, भाई नीचे कूदे, भाई की फट गई होगी, नीचे भागे भाई, नीचे जंप लगाई और सीधा नोक हो गए। खैर, उसके बाद वहां से एक ही बंदा पड़ा होता है, उसे छोड़ के हम निकल लेते हैं बाकी बंदों को पेलने, क्योंकि जोन आ चुका होता है। पीछे से गाड़ी आई।
अब जब हमें यहां से पीछे से गाड़ी की आवाज आती है, हम बोलते हैं भैया हो गया काम, अब कद्दू कुछ नहीं हो सकता, बना लो वीडियो। पीछे से दूसरी सुकौड़ आ गई, हो गए गलत सीन। लेकिन बाद में पता चलता है वो जो बाहर बंदे को पेला मैंने, वो भी इसी टीम का होता है। मतलब इस भाई के दो बंदे आगे बाइक में आते हैं और एक अकेला बंदा पीछे से गाड़ी से आता है। अच्छा और अगर ये गलत सीन मेरे साथ होते ना भाई, तो मैं पेट्रोल के आसपास क्या उसे मैं बैग पे भी नहीं रखता पेट्रोल के डब्बे को, इतना इतना डर जाता मैं। मतलब गलत इसी ने भाई, बंदा ऊपर लेट रखा है भाई, गाड़ी से आते हैं ऊपर जाते हैं और सीढ़ियों के पास लेट जाते हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है बंदे ने गन हटा रखी थी। अब वो बंदा गेम छोड़ के चला गया था या भाई के कुछ और ही नशे थे, हमें नहीं पता यार। मुझे इतना पता है बगल में बंदे के गैस कैन पड़ा होता है, पेट्रोल का डब्बा पड़ा होता है, और मैं सीधा उसे फेंक फोड़ता हूँ और सीधा बंदे की पेटी बनती है। तो भाई लोग यार, इस गलत सीन के लिए, इस पेट्रोल के डब्बे के साथ गलत सीन के लिए लाइक पहलना मत भूलना यार, बिल्कुल लाइक को पहल के फाड़ के रख दो, बिल्कुल नीला टैप कर दो। खैर उसके बाद मैं यहां से ऊपर की साइड निकलता हूं और राइट वाले घर पे देख रहा हूं, तो बंदे तो नहीं है, लेकिन राइट पे तो नहीं होते, लेकिन जहां होते हैं ना भाई, बहुत गलत होते हैं। रोको क्या इधर? अब यहां पे मैं पूरी जान लगा के चिल्लाता हूं कि भैया गाड़ी रोको, क्योंकि ऊपर ना चार बंदे बैठे होते हैं। राइट से आ रहा। और यहां पे हम जैसे तैसे करके तीन बंदों को नॉक कर देते हैं। मतलब वो जो राइट से बंदा आया ना, अगर मैं उस पे एमके नहीं चलाता तो कोई भी मौका ही नहीं था मेरे जिंदा रहने का। मतलब नॉक तो मैंने पक्का हो जाना था, हमारे भाई जरूर संभालते, लेकिन यार नॉक पक्का कर देता वो। तो मैं धैड़ पैड़ अपनी एमके 14 निकालता हूं, और एमके 14 क्लोज रेंज में जो ही चलती है यार, मजा टैप आ जाता है इसे देख के। बिल्कुल और उस बंदे को पेलने के लिए जहां तक मुझे पता है मैंने सिर्फ दो गोली मारी उसे, एक गोली सीधा सर पे लगती है, एक कहीं पांव पो में लगती है, लेकिन दो गोली में यार काम कर देती है ये गन। और यार इस गन से जो आवाज आती है ना भाई, बिल्कुल मजा टैप आ जाता है ये, और ग्रोजा की आवाज यार दिल खुश कर देती है बिल्कुल ही। खैर उसके बाद मैं यहाँ छोटे से घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि गिने चुने बंदे बाकी हैं और लेटे होंगे यार, कहीं ना कहीं लेटे जरूर होंगे वो। ओ इसमें पहला वाओ तो। अब देखो यहाँ ऊपर से कोई मिनी 14 पटकाता है, हमारे भाई ओ आ पता नहीं सारी अंग्रेजी यही बोल देते हैं, और बोलते हैं उसने पेला। मैं बोलता यार उसने पेला, हम भी पेलेंगे। मैं घर दरवाजे के बाहर निकलता हूँ, और निकलते ही बगल में कोई लेटा बंदा होता है भाई, वो गोली पेलता है। अब देखो मिनी 14 वाले का पता नहीं, लेकिन ये वाला ना हमें जरूर पेल देता। खैर वापस घर पे आ जाते हैं, अब देखो बहुत टाइम तक यहाँ रुके रहते हैं, वो भी नेट करते हैं, हम भी नेट करते हैं, वो भग जाता है यहाँ से, ढूंढने आता हूँ मैं, भाई गया। ठीक है वो बंदा भी यहाँ से गायब हो चुका होता है। तो मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, एक बंदा जो मिनी 14 पटका रहा है वो दूसरी टीम का है, और ये जो बगल पे लेटा था ये दूसरी टीम का है, लेकिन सीन कुछ और ही होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, जब बंदा नहीं मिलता ना, जिस रफ्तार से मैं भगता हूं ना भाई, वापिस पूछो मत, बिल्कुल तेजी से भगता हूं घर के अंदर, क्योंकि देखो बाहर पे वहां पे नहीं है लकड़ियों के पास, तो बंदा कहीं ना कहीं लेटा जरूर है। खैर उसके बाद वो बंदा वापिस वहीं कहीं आता है, तो मैं स्मोक वगैरह करता हूं, क्योंकि अब जोन में भी जाना होगा, और जोन में यार बंदे लेटे पड़े होंगे। तो दोनों एक ही टीम के हैं, वो भी आ गया, लेफ्ट है, लेफ्ट लॉक। और ये दोनों बंदे
एक ही टीम के होते हैं। अब देखो, अगर वो बंदा जो बगल में सांप बना था, जो लकड़ियों के पास सांप बना था, अगर वो बंदा जलती बोतल में आग नहीं फेंकता ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो हम दोनों को पेल देता। अच्छा वो भाई को खुजली हुई नेड नूट करने की, आग फेंकने की। तो मैं भग रहा हूं, तो मैं बोलता हूँ यार अब तो भगना पड़ेगा, जोन में जाते हैं, जोन में ही लेटे होंगे बंदे। लेकिन ये भाई यहीं पे लेटे हुए थे, और ये जो बंदा डस्ट था ना भाई, बहुत दर्द होता है इसके डसने से। लेकिन भाई चालाक बन के मोली करते, और मोली मैं देख लेता हूँ किस तरफ से आ रही है, और सीधा MK14 निकालता हूँ और भाई को पेल देता हूँ। और ये दूसरे बंदे को MK14 से मैं बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन दो ही गोली लगती है और हेडशॉट एक भी नहीं लगता। खैर उसके बाद मैं M4 निकालता हूँ और भाई को भी पेल देता हूँ। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत भूलना यार, ठोक के बिल्कुल नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंट्री के लिए। और जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।